हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग जो आव्यूह अभ्यास पढ़ रहे हैं, ठीक है, आव्यूह जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि जिसको इंग्लिश में मैट्रिसेज बोलते हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? डायगोनल मैट्रिक्स तक देखा, यानी विकर्ण आव्यूह तक देखा, ठीक है ना। डेफिनेशन हम लोग मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के आव्यूह देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी आज का जो पहला वाला रहेगा, मे बी सातवां हो सकता है, ठीक है, मे बी ये सेवेंथ नंबर का हो सकता है, तो हम लिख देते हैं, आप अपना चेक कर लीजिएगा। तो ये है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। क्या है स्केलर मैट्रिक्स? हिंदी में क्या बोलते हैं? अदिश आव्यूह। तो एक अदिश आव्यूह क्या होता है? अदिश आव्यूह से हमारा क्या मतलब है, समझते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। तो एक वर्ग आव्यूह, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह, यानी कि इंग्लिश में भी लिख देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे निरूपित करते हैं, तो हम परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, एक वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, जो कि ऐसे लिखा जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है, वर्ग आव्यूह को ऐसे लिखते हैं, हम आपको बताए हुए हैं। तो अगर एक वर्ग आव्यूह ये को स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह कहा जाता है यदि, आ गया सवाल, यदि इफ, ठीक है। तो अदिश आव्यूह कहा जाएगा, ठीक है, कहा जाता है यदि, पहला इसमें कंडीशन है, ठीक है ना। पहला कंडीशन क्या है कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर आल आई नॉट इक्वल टू जे, यानी आई जब जे के बराबर नहीं है तो ए आई जे का मान, यानी ए आई जे से क्या होता है, ए आई जे हमारा किसी भी आव्यूह के अवयव को बताता है। ए आई जे से मतलब ही क्या होता है? अवयव। और जब आई बराबर जे नहीं है, ठीक है ना, मतलब अलग अलग, मतलब जो मुख्य डायगोनल आपका मेन डायगोनल है, आपका प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल है, उसको छोड़ के बाकी सभी अवयव क्या है, इसका मतलब यहाँ पे जीरो है। तो पहला चीज ये होना चाहिए। दूसरा चीज ये होना चाहिए कि ए आई आई शुड बी सी, एक कांस्टेंट होना चाहिए या के होना चाहिए, सी या के कुछ भी लिख लीजिए। तो किसी किसी किताब में कहीं के आपको पढ़ने को मिल सकता है, कहीं कहीं पे सी, तो हम सी लिख देते हैं। एंड सी नॉट इक्वल टू जीरो, सी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? ए आई आई लिखा, आई आई लिखा मतलब आई और जे दोनों बराबर हैं। जैसे यहाँ पे वर्ग आव्यूह में एन बाई एन लिखते हैं, वैसे यहाँ पे आई आई लिख रहे हैं, मतलब ए वन वन से मतलब है, ए टू टू से मतलब है, ए थ्री थ्री से मतलब है, ए फोर फोर से मतलब है, ठीक है। अगर ये जो होंगे सभी बराबर हो गए, यानी कहने का मतलब हो गया, अभी आपको परिभाषा उसमें भी बताते हैं, इस लैंग्वेज में लिखना, देखिए अगर एग्जाम में आता है तो ये लैंग्वेज में लिखना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। और फिर आपको अभी भाषा में भी लिखवाते हैं, ठीक है, मतलब ये नोटेशन फॉर्म में है, अभी आपको भाषा में, मतलब भाषा में कैसे लिखना है वो बताते हैं, ठीक है। लैंग्वेज में, लैंग्वेज भाषा तो एक ही हुआ, ये क्या है, नोटेशन की तरह है, ठीक है। तो क्या लिख रहा है? एक वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जो कि ऐसे लिखा जा सकता है, को अदिश आव्यूह कहा जाता है यदि ए आई जे बराबर जीरो हो, यानी कि कहने का मतलब है फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, यानी आई जे के जब बराबर नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ। हम लोग वर्ग आव्यूह पढ़े हैं, वर्ग आव्यूह में क्या होता है, एक विकर्ण होता है, तो विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं, बाकी सभी एलिमेंट क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं। और ए आई आई से मतलब हमारा विकर्ण के अवयवों से है। ए आई आई का मतलब क्या है? ए वन वन,
A22, A33 से मतलब है कि नहीं, और ये हमारे क्या कहलाते हैं, याद करिए वर्ग अभी मैं आपको बताया है, यही विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? विकर्ण के अवयव होते हैं, ठीक है, मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल के अवयव होते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो विकर्ण के अवयव हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, वो सभी एक ही नंबर के बराबर हैं, यानी कांस्टेंट है, एक मतलब एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, और वो जीरो नहीं हो सकता, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो वो क्या हो सकता, वो जीरो नहीं हो सकता, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक अदिश आव्यूह कहते हैं, ठीक है। अच्छा, भाषा में लिखते हैं, थोड़ा सा भाषा में लिखते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में इंग्लिश वाले लिखेंगे इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है, कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव यानी सभी एलिमेंट समान होने का मतलब यहां पे हमने लिख लिया कांस्टेंट, समान हो या फिर इक्वल हो, बराबर हो, कहने का मतलब एक ही नंबर है, तो विकर्ण के जो अवयव हैं वो सभी एक ही है, तो इनको बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए स्केलर क्यों बोला जाता है, ये सब आपको लग रहा होगा क्यों स्केलर बोला जा रहा है ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो देखिए मैट्रिक्स जो होता है एक्चुअली में जो आव्यूह होता है, ठीक है, वो उसके द्वारा सभी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। देखिए इन जनरल जो होता है, जो व्यापक रूप में जो क्वांटिटी होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में हमारा नाम है जैसे अदिश है, सदिश है, यानी स्केलर है, वेक्टर है, ठीक है, और शायद आप नाम सुने भी होंगे टेंसर, एक होता है टेंसर, ठीक है। तो देखिए व्यापक रूप में बोले इन जनरल तो एक ही टर्म होता है टेंसर, ठीक है, मैथमेटिक्स में गणित में टेंसर। तो जो जीरो ऑर्डर का जो टेंसर होता है, ठीक है, या हाँ जीरो ऑर्डर का बोलते हैं, जीरो ऑर्डर का टेंसर जो होता है उसको हम अदिश बोलते हैं, एक ऑर्डर का यानी जिसमें एक इंडेक्स की जरूरत पड़ती है वो वेक्टर होता है, जिसमें दो इंडेक्स की जरूरत होती है सेकेंड ऑर्डर वाला जो होता है वो आपका टेंसर होता है सेकेंड ऑर्डर का, उसके बाद तीन का भी हो सकता है, चार का भी हो सकता है, पांच का भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये है ना कि इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आव्यूहों के द्वारा आप अदिश को भी निरूपित कर सकते हैं, मतलब ये थोड़ा सा गणित एडवांस गणित हो जाता है, अभी आपको नहीं पता चल पाएगा ना आप जान पाएंगे, ठीक है, लेकिन कभी आप बड़ा मतलब ज्यादा गणित पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो ये जो अदिश होता है इसको एक आव्यूह के द्वारा से निरूपित किया जा सकता है, एक आव्यूह के द्वारा, एक वेक्टर को आव्यूह के द्वारा निरूपित किया जा सकता है, एक टेंसर क्वांटिटी को आव्यूह के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। टेंसर में हमेशा मतलब जहां तक आप कभी नाम सुने होंगे तो टेंसर को निरूपित करने के लिए दो इंडेक्स की जरूरत पड़ती है, यानी दो वहां पे दिशाएं आपको देनी पड़ती हैं, वेक्टर में एक दिशा से काम चल जाता है, ठीक है, लेकिन वास्तविकता में मतलब इन जनरल ये जो अदिश सदिश सब जो है ना वेक्टर टेंसर के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो देखिए नाम इसलिए क्योंकि नाम आ रहा होगा कि आप अदिश क्यों लिख रहे हैं, तो अदिश लिखने का मतलब यही है कि एक अदिश क्वांटिटी, कोई अदिश राशि है, ठीक है ना, यानी स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको आप ऐसे निरूपित कर सकते हैं, ठीक है, एक आव्यूह के माध्यम से ऐसे ही निरूपित होगा, ठीक है, यानी एक आव्यूह में अगर लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, एक वर्ग आव्यूह बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो सभी एक समान होंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, कोई एग्जाम्पल में ले लेते हैं,
देखिए इसमें जो लीडिंग डायगोनल ये है, और लीडिंग डायगोनल के सभी अवयवों को हमने क्या ले लिया, दो 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 ले लिया, ठीक है। एक 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 नहीं लेंगे अभी, ठीक है, एक 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 लेंगे तब भी वो कहलाएगा अदिश ही, लेकिन वो एक स्पेशल हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अभी आगे आएगा हमारा, यानी इकाई आव्यूह बोलते हैं या तत्समक आव्यूह बोलते हैं। तो जब यही एक 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 के बराबर हो जाएगा तो इकाई या तत्समक आव्यूह हो जाता है, ठीक है। और अगर उससे छोड़कर है तो उसको बोलते हैं अदिश, ठीक है। देखिए इकाई या तत्समक आव्यूह भी अदिश आव्यूह ही है, लेकिन जैसे ही वन 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 आ जाता है हम उसको अदिश आव्यूह न बोल करके हमेशा क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। उसको स्केलर नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलेंगे, इकाई आव्यूह ही बोलेंगे। लेकिन हाँ, कोई आपसे ये पूछे क्या इकाई आव्यूह एक स्केलर मैट्रिक्स है, यानी कि अदिश आव्यूह है, तो बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने वन 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 हो तो ये सवाल बहुत बार होता है बहुत बच्चों का कि हम उसको स्केलर तो भी बोल सकते हैं। नहीं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया जाए और आपसे पूछा जाए वहां पे स्केलर भी हो, आइडेंटिटी भी हो और सब हो, तो आप वहां पे क्या कहेंगे, आप वहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन दिया है कि ए और बी दोनों, तब जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अदरवाइज आइडेंटिटी होगा, यानी इकाई आप भी होगा। और यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, बस समान होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा आपका अदिश आव्यूह, ये क्या कहलाएगा, अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह आप लिखने आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये कितने का है, थर्ड ऑर्डर का, यानी ऑर्डर थ्री का, यानी तीन क्रम का, क्रम तीन का ये क्या है आपका, अदिश आव्यूह है। दो क्रम का भी हो सकता है, क्रम दो का, जैसे कि लिया 4004, तो इसमें क्या है, ये 2/2 का है, ठीक है। और ये आपका डायगोनल जो है, जो डायगोनल है आपका मुख्य विकर्ण जो है उसके अवयव क्या है, बराबर है। इसी तरह से तीन ये 3/3 का, इसी तरह से 4/4 का हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये हुआ हमारा, ये कौन सा हुआ हमारा, ये हुआ एक स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह का परिभाषा, ठीक है। आशा करता हूं समझ गए होंगे आप, लेकिन ये चीज यहाँ पे ये वाला बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अगर आपसे परिभाषा पूछा ना, तो इसको जरूर लिखना है, केवल इतना लिखने से आपका काम नहीं चलेगा। केवल इतना लिखेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपको अगर दो नंबर का सवाल है तो एक नंबर ही दिया जाएगा, या एक नंबर का है तो आधा नंबर ही दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको लिख देते हैं तो पक्का दो नंबर का है, तो दो नंबर आपको दिया जाएगा, और साथ में एक उदाहरण भी लिखें, ठीक है। चलिए, ये डेफिनेशन इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स में पहले, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में डेफिनेशन भी पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए परिभाषाओं को हम इतना अच्छे ढंग से बता रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज हम परिभाषाओं को जल्दी जल्दी खत्म कर देते और सीधे सवाल पे चले जाते। तो सवाल पे हम लोग आएंगे, लेकिन परिभाषाओं को भी अच्छे ढंग से समझना हमारे लिए जरूरी है और लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। चलिए अब देखते हैं अगला वाला, जैसा कि वही बात बोले थे, इसके बाद आएगा आइडेंटिटी वाला, यानी इकाई आव्यूह, इकाई या तत्समक, तत्समक आव्यूह, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये नाम है। तो इसमें यही है, पीछे वाला ही परिभाषा लिखेंगे, सब कुछ पीछे वाला ही रहेगा, बस पहला भी कंडीशन वही रहेगा, बस जो दूसरा कंडीशन है वहां पे हम लिखेंगे ए आई आई बराबर वन, सीधी सी बात,
ए आई आई बराबर वन, यानी जो विकर्ण के अवयव हैं वो सभी अवयव। तो आप लिखना अब शुरू कर दीजिए, ठीक है, अपने मन से भी कि सब कुछ वही परिभाषा लिखेंगे जो पीछे हमने बताया, पिछले वाले में जो आपका स्केलर वाला था यानी अदिश अवयव वाला था, इसमें भी सब कुछ वही रहेगा। पहला वाला जो कंडीशन था वो भी वही रहेगा, बस दूसरे वाले कंडीशन में ए आई आई यानी विकर्ण के अवयव एक के बराबर हो गए, ठीक है, फॉर ऑल आई ये लिख लेंगे, फॉर ऑल आई, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिखिए फॉर ऑल आई, ठीक है, प्रत्येक आई के लिए। प्रत्येक आई का मतलब अगर अवयव में आपका एन पंक्तियां हैं तो आई बराबर वन से लेकर एन पंक्तियां और एन, क्योंकि ये वर्ग अवयव होना है, तो वर्ग अवयव होना है तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होने वाली है, यानी रोज और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने वाली है। तो i का मान कहां तक जाएगा, अगर n पंक्तियां तो i बराबर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 n तक जाएगा, या कहने का मतलब n बराबर अगर 3 है, 3 ऑर्डर का है, तो i का मान क्या होगा, 1 और 2 3। तो आप पिछले वाले में भी लिख लीजिएगा, ये मुझसे मिस्टेक हो गया, ठीक है, फॉर ऑल i लिख लेना है, ठीक है, फॉर ऑल i ये जरूरी है, ठीक है, जैसे ऊपर वाले में लिखवाया हमने फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j, यानी प्रत्येक जितने पॉसिबल हैं, ठीक है, आई के मान और जे के मान, यहां पर भी जितने आई के मान संभव हैं वो सभी लेना है आपको, ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह से लिखेंगे। तो आप बस वही डेफिनेशन लिखना है, बस आपको नाम चेंज करना होगा एक जगह, कि अदिश के जगह पर आपको लिखना होगा इकाई या तत्समक अवयव, ठीक है, और दूसरे शब्दों में फिर आप लिख ही सकते हैं उसी तरह से, ठीक है, दूसरे शब्दों में भी आप उसी तरह से लिख सकते हैं कि एक विकर्ण अवयव को इकाई या तत्समक अवयव कहा जाता है यदि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक के बराबर, ठीक है, हो गया, एग्जाम्पल ले लें। अब एक चीज आता है नोट, नोट हम लिखेंगे आगे, तो आप परिभाषा लिख लेंगे फिर नोट लिखेंगे, नोट ऐसे लिखेंगे कि एन क्रम के यानी ऑर्डर के इकाई अवयव, इकाई अवयव यानी कि आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, एन क्रम के इकाई अवयव को आई एन से निरूपित किया जाता है, यानी रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है, इंग्लिश में रिप्रेजेंट या डिनोट किया जाता है ये बोलते हैं, ठीक है, तो आई एन से, ठीक है ना, जैसे कि अगर n ऑर्डर का है तो आई एन हमेशा इसी तरह से लिखा जाएगा, ये नोटेशन आप याद रखेंगे, ठीक है, जैसे हम बात करें यहां पे फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक ही इसमें अवयव हो सकता है ना, वन बाई वन, ये हो गया, ये भी इकाई अवयव है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का। आई टू दो ऑर्डर का बोलते हैं तो 1001 यहां पे होगा ऐसे। आई थ्री मतलब इसका ऑर्डर 3 होने वाला है, ठीक है, 3/3 होने वाला, जैसे यहां पे 2 है, यहां पे 1/1 है, ठीक है, क्योंकि वर्ग अवयव है तो वर्ग अवयव ये है, क्योंकि कंडीशन ही पहले ही आ जा रहा है कि वर्ग अवयव, याद रखिए जो डायगोनल होगा, डायगोनल यानी विकर्ण अवयव, उसमें भी कंडीशन है कि वर्ग अवयव होना चाहिए, जो अदिश अवयव है उसमें भी कंडीशन वर्ग अवयव का है, और जो आपका इकाई अवयव है उसमें भी कंडीशन किसका है, वर्ग अवयव का है, ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया 100010 और 001, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है डायगोनल बनाइए आप यहाँ पे ऐसे, हम इसलिए बना रहे हैं कि आपको दिखे बार बार, ठीक है, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, मतलब अपने से नहीं करना है, ये नहीं बनाना है, ठीक है, केवल डायगोनल वाले में आप दिखा सकते हैं इसको, ठीक है, या डायगोनल वाले में भी नो दिखाई तभी कोई बात नहीं, अभी दिखा भी दीजिए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लिखना उतना सही नहीं रहेगा, ठीक है, तो हो गया इकाई अवयव। इसका निरूपण आप समझ रहे हैं ना, आई से निरूपित करते हैं और उसके नीचे ऑर्डर लिखते हैं, जिस ऑर्डर का होगा, जिस क्रम का होगा वो लिखते हैं, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है नल या नल और जीरो
नल और जीरो मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं रिक्त अवयव, रिक्त या शून्य अवयव। तो रिक्त या शून्य अवयव का क्या मतलब है? जो भी नंबर का हो देख लेते हैं एक बार। ये आठवें नंबर का था, ये नवे नंबर का रहने वाला है, ठीक है, नवे नंबर का। नल और जीरो मैट्रिक्स या रिक्त या शून्य अवयव। तो लिखेंगे डेफिनेशन, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऑर्डर की कोई चिंता नहीं है, कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, जब अवयव जीरो हो सभी अवयव तो उसको हम बोलते हैं शून्य अवयव। ये आपका शून्य अवयव है, ठीक है। तो शून्य अवयव अपने हिसाब से कुछ भी आप अपने हिसाब से ऑर्डर यहां पे रख सकते हैं जीरो मैट्रिक्स का, जहां पे जरूरत होगी। इसीलिए जीरो आने पर ना हम कुछ करते नहीं है, जैसे मतलब जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा ना, ये जैसे नॉर्मल जीरो के साथ नंबर्स में होता है वैसे यहां पर भी होता है, हो जाएगा। ये बात क्या बोल रहे हैं? ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम अभी आगे हम लोग जब इनका गुणा जोड़ वगैरह करेंगे तो अवयवों का जोड़ गुणा वगैरह बहुत अलग होता है, ठीक है। पहले अपने दिमाग से वो चीजें निकाल दीजिएगा कि हम जो है जो अलजेब्रा पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग होगा, नहीं, इसका अलग रूल होगा, इनको जोड़ने का घटाने का, ठीक है, अलग रूल होगा। कैसे होगा हम लोग देखेंगे, गुणा करने का, ठीक है, ये सभी चीजें। तो हो गया उसके बाद नल एंड जीरो मैट्रिक्स के बाद देखते हैं अगला। दस नंबर, ठीक है, ये है आपका ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि बोलते हैं हिंदी में त्रिभुजी अवयव। तो त्रिभुजी अवयव आपका क्या होता है? तो ऐसा अवयव जिसमें सबसे पहले तो वर्ग अवयव होना चाहिए, तो ऐसे लिखेंगे ऐसा वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य हो उसे त्रिभुजी अवयव कहते हैं। त्रिभुजी अवयव कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के मुख्य यहां पे छूट गया सॉरी विकर्ण मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य हो, ठीक है, सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे त्रिभुजी अवयव कहते हैं, ठीक है। अब ये दो तरह का होता है त्रिभुजी अवयव, एक होता है ऊपरी त्रिभुजी अवयव, अभी एग्जाम्पल से हम लोग समझ जाएंगे। ऊपरी त्रिभुजी अवयव इंग्लिश में बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को नेगलेक्ट कर देंगे। देखिए आपको अगर आगे बढ़ना है खासकर इंजीनियरिंग में तो आपको इंग्लिश को अपनाना ही पड़ेगा, आप मानिए या ना मानिए, ठीक है, बाद में आप पछताएंगे, सच्चाई है। और अदर कोर्सेज की हम बात नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं मतलब डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा के बाद जिस अगर डिप्लोमा से ही रिलेटेड आप आगे बढ़ना चाहते हैं
तो आपको अंग्रेजी अपनाना पड़ेगा, चाहे आप पसंद करते हो या ना करते हो। ठीक है, तो ऊपरी त्रिभुजी अवयव यानी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट कर दी। ठीक है, पर हमारा कोशिश यही रहेगा कि आगे तक आते आते आप चौथे पांचवें सेमेस्टर तक, चौथे पांचवें तक आप जो है पूरी तरह से अंग्रेजी को सीख जाएं। ठीक है, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स यानी ऊपरी त्रिभुजी अवयव की बात है। ऊपरी त्रिभुजी अवयव कैसे बोला जाएगा? ठीक है, तो अगर मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, यानी कि ऊपरी त्रिभुजी अवयव कहलाता है। तो आप लिख लेंगे ऐसा वर्ग अवयव डेफिनेशन में जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो वह ऊपरी त्रिभुजी अवयव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया यहां पे ए बराबर देख पा रहे हैं इसको आप, तो ये देखिए जब ध्यान से आप देखेंगे इसको आप मिलाएंगे तो ये त्रिभुज का शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, और ऊपर की ओर त्रिभुज बन रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर। और देखिए नीचे वाले जीरो हो गए तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हैं, यानी कि त्रिभुजी अवयव भी बोल सकते हैं, या ऊपरी त्रिभुजी अवयव यानी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे ही कहेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं निम्न त्रिभुजीय अवयव का। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स निम्न त्रिभुजीय अवयव। अब इसमें क्या है कि जो मुख्य विकर्ण उसके ऊपर के सभी अवयव यदि जीरो हो। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको बता दें, इसको नोटेशन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा ध्यान दीजिएगा, आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले लिखेंगे एक वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव ए बराबर ब्रैकेट में ए आई जे एन बाई एन, जैसे हमने लिखा है कि वर्ग अवयव को कैसे नोटेशन करते हैं, लिखिए आप। ठीक है, आपको बोल रहे हैं लिखने के लिए। तो एक वर्ग अवयव ए इज इक्वल टू, जैसे बोला ए इज इक्वल टू यानी ए बराबर ए आई जे एन बाई एन को ऊपरी त्रिभुजी अवयव यानी कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है यदि, यदि कंडीशन क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई वन टू लेस देन जे। ठीक है, फॉर ऑल आई लेस देन जे, ऐसे लिख सकते हैं परिभाषा को, ये ज्यादा इफेक्टिव लगेगा न कि लैंग्वेज में लिखना। दूसरे शब्दों में कह के आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहता है। ध्यान से देखिए, यानी जब आई जो है आपका जे से छोटा है जब भी, तो आपका जो जो अवयव हो रहा है, जो अवयव हो रहा है, ये देखिए फॉर ऑल मतलब प्रत्येक के लिए, प्रत्येक आई जे से जो छोटा है, हर एक आई जो जे से छोटा है तो उसके लिए ए आई जे क्या है, जीरो है। जैसे यहां पे देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, इस जगह के अवयव को हम कैसे नोटेस्ट करेंगे, तो ए कौन सा पंक्ति, दूसरा पंक्ति, सॉरी यहां पे मिस्टेक हो गया, आई ग्रेटर देन जे होना चाहिए। ठीक है,
आई ग्रेटर देन जे, यानी आई बड़ा है जे से। तो जैसे यहां पे लिखा ए टू वन, ठीक है, यहां पे क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं ए थ्री टू। तो हर केस में देखिए आई क्या है, जे से बड़ा है, हर केस में क्या है, आई जे से बड़ा है। यहां पे क्या हो गया ए, सॉरी ये थ्री वन होगा, माफ करेंगे ए थ्री वन होगा इसका वाला, और इसको हम क्या बोलेंगे ए थ्री टू। तो हर केस में देखिए यहां पे क्या हो रहा है, आई जो है जे से बड़ा हो रहा है। इसी तरह से इसमें भी वही चीज बोलेंगे, और यहां पे बोलेंगे कि ए आई जे जीरो होगा फॉर ऑल आई लेस देन जे, ठीक है, यहां पे ऊपर में बड़ा है, यहां पे लेस देन, यानी कि ये सभी होंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं एक अव्यू, तो हो गया वन माइनस वन टू और जीरो जीरो फाइव जीरो टू माइनस फोर। तो यहां पे देखिए ये ऐसे अगर इसको आप घेरते हैं तो देखिए लोअर ट्रायंगुलर बन रहा है कि नहीं, निम्न त्रिभुजी आव्यूह, ये निम्न त्रिभुजी आव्यूह मतलब नीचे की ओर बन रहा है त्रिभुज, ठीक है, ये क्या बन रहा है नीचे की ओर बन रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे निम्न त्रिभुजी आव्यूह, ठीक है। तो निम्न त्रिभुजी आव्यूह में अब देखिए आपके किताब में लिखा होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को उच्च त्रिभुजी आव्यूह, ये गलत है, इसीलिए बोला जाता है हिंदी वाला जो है ना मिस्टेक हो जाता है ट्रांसलेशन के वजह से। उच्च का मतलब होता है हाई या हाईएस्ट, ठीक है ना, तो ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह सही है, उच्च त्रिभुजी आव्यूह सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अंग्रेजी ध्यान रखिए, क्योंकि आप जब हिंदी में जाने पेपर देंगे तो वहां पे नाम आपको बदले मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे ट्रांसलेटेड होगा, तो जो आप पढ़े रहेंगे शायद आपको वो नाम ना मिले, ठीक है। तो इंग्लिश वाला भी ध्यान रखिए और कोशिश यही करिएगा, पढ़िए, अभी हम समझ सकते हैं, आपको दिक्कत होगा हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश अगर पूरा पढ़ेंगे तो पढ़िए हिंदी में ही, लेकिन एक बार जब पेपर देने जाते हैं तो एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन मिला लिया करिए, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन पेपर में लिखा भी रहता है, ठीक है, और जो इंग्लिश वाला बोला जाएगा वही सही माना जाता है, ठीक है। तो आपको हिंदी में कभी ऐसे ट्रांसलेट हो जाता है कि उसका मीनिंग कुछ और आ जाता है और उसको समझ के आप कुछ और करके आ जाते हैं, जबकि जब आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये नहीं, मुझे ये करना चाहिए था, ये सही होता, ठीक है। तो ऐसी गलतियां होती हैं कई बार, ठीक है। तो निम्न त्रिभुजी आव्यूह यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो ऊपर वाले हैं इनको अगर इसको हम लिखना चाहें तो कौन से मतलब रो का है, तो पहले पंक्ति का है, और कॉलम कौन सा वाला, दूसरे कॉलम का, पहला पंक्ति है ना, ये देखिए पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, ठीक है, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो ए वन टू, तो हमेशा आई देखेंगे यहां पर भी ए वन थ्री, इसी तरह से यहां पे ए टू थ्री, तो इसी तरह से मतलब जब भी देखेंगे तो यहां पे आई क्या है छोटा ही है जैसे, यानी दूसरे वाले से क्या है पहला वाला छोटा है, ठीक है। तो ये हो गया त्रिभुजी आव्यूह, ये क्या हो गया त्रिभुजी आव्यूह, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग इस क्लास को रोकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, सब मैट्रिक्स, यहां से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अभी खत्म नहीं होता है, अभी कुछ मतलब बेसिक वाले बेसिक प्रकार जो है खत्म हो गए, मतलब जो आधारभूत थे, अभी आगे भी कई तरह के अभी मैट्रिक्स आएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, लेकिन अभी देखते हैं एक सब मैट्रिक्स एक और देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं आपसे। तो अब जो भी है जो भी नंबर का है देख लीजिएगा, सब मैट्रिक्स यानी कि उप आव्यूह। तो उप आव्यूह क्या होता है, किसी भी एक आव्यूह का, मान लीजिए कोई बड़ा सा आव्यूह है, तो कोई भी बड़ा सा आव्यूह है अगर इसके कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों को छोड़ दें, जैसे पूरा छोड़ना होगा आपको, अगर एक पंक्ति छोड़ रहे हैं तो पूरा छोड़िए, कोई स्तंभ छोड़ रहे हैं तो पूरा छोड़िए, और छोड़ करके जो आव्यूह बचता है उसको हम लोग बोलते हैं सब मैट्रिक्स। इस बड़े से आव्यूह का वो क्या होगा, उप आव्यूह होगा, ठीक है ना। तो परिभाषा में आप लिख लेंगे ये बात, ठीक है, जैसे यहां पे छोड़ के अगर ये लिख दें हम बी बराबर
पांच दो चार दो, यानी हमने क्या किया, ये पंक्ति छोड़ दिया, ये कॉलम दो कॉलम छोड़ दिया, तो बचा तब भी ये क्या है, सबाव्यूह। तो कम से कम एक पंक्ति या एक आव्यूह आप अगर छोड़ते हैं, एक केवल एक पंक्ति भी छोड़ देते हैं तो भी, ये जरूरी है दोनों छोड़ना है, या तो आप एक पंक्ति छोड़ दीजिए या एक आप स्तंभ छोड़ दीजिए या एक से ज्यादा छोड़िए, दोनों का कॉम्बिनेशन छोड़िए, जैसे भी, बस आपको कम से कम एक रो या एक कॉलम छूटना चाहिए, तो आपका जो बचेगा वो कहलाएगा सब मैट्रिक्स, यानी कि आपका उप आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो आप परिभाषा में लिख लेंगे, किसी आव्यूह के कुछ पंक्तियों या कुछ स्तंभों या दोनों को छोड़कर प्राप्त आव्यूह को उप आव्यूह कहते हैं। उस आव्यूह का होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो उप आव्यूह है बी सब मैट्रिक्स है वो किसका है, ए का है। ठीक है, तो यहीं पे बेसिक क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है, यानी बेसिक टाइप्स आप जो आपके मैट्रिसेस थे खत्म हो गए, यहीं पे रोकते हैं। अब बाकी चीजें हैं, अब इसके आगे अगला टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो आव्यूह को बराबर कब कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्या मतलब है उनका। ठीक है, उसको हम लोग आगे देखेंगे, अभी के लिए इस क्लास में मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।